चौहान जब कमरे से बाहर निकल गया तो इमरान सोफे पर बेहोश पड़े हुए मेजर जोसेफ की तरफ बढ़ गया। उसने आगे बढ़कर मेजर जोसेफ के मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिए और चंद लम्हों बाद ही मेजर जोसेफ के जिस्म में हरकत सी महसूस होने लगी। इमरान ने हाथ हटा लिए, फिर जैसे ही मेजर जोसेफ की आंखें एक झटके से खुली, इमरान ने चौंककर उसे बाजू से पकड़कर एक जोरदार झटके से सोफे से घसीट कर नीचे फर्श पर फेंक दिया और मेजर जोसेफ के हलक से चीख निकल गई। वो सोफे से सीने के बल नीचे गिरा था, लेकिन इससे पहले कि वो उठता, इमरान ने बिजली की सी तेजी से उसकी दोनों पिंडलियां पकड़ लीं और फिर वो उसे ऊपर उठाकर उछला और उसके साथ ही उसके दोनों पैर मेजर जोसेफ के कांधों के आगे फर्श पर जम गए और उसका निचला जिस्म ऊपर को उठकर आगे की तरफ हुआ और इमरान उसके आगे वो मुड़ी हुई टांगों पर इस तरह बैठ गया जैसे झूलने वाली कुर्सी पर कोई इत्मीनान से बैठ जाता है। और मेजर जोसेफ के हल्क से खौफनाक अंदाज में चीखें निकलने लगीं। इमरान ने अपना जिस्म जरा सा ऊपर उठाया। सुनो, 01 लेबॉरेटरी का महले वकूफ बताओ, वरना मैं एक झटके से तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ डालूंगा और तुम हमेशा के लिए माजूर हो जाओगे और सिसक सिसक कर मरोगे, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने दोबारा दबाव डाला तो मेजर जोसेफ के हलक से चीखों के साथ साथ खरखराहट की आवाजें भी निकलने लगीं। शर्ट्स शार्टन, मेजर जोसेफ की हकलाती हुई और कराती हुई आवाज सुनाई दी, लेकिन फिर ये आवाज डूब गई। तफसील बताओ, इमरान ने दबाव बढ़ाते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे कड़कड़ाहट की तेज आवाज के साथ ही इमरान के जिस्म नीचे को झुकता गया और इमरान उछलकर आगे बढ़ गया और मेजर जोसेफ का निचला जिस्म एक धमाके से नीचे फर्श पर जा गिरा। ओह, बिल्कुल ही कच्ची बना रखी थी रीढ़ की हड्डी, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। उसी लम्हे चौहान दौड़ता हुआ अंदर आया। इमरान साहब, पुलिस कारों के सायरन सुनाई दे रहे हैं, शायद किसी ने फायरिंग की इत्तला दे दी है, चौहान ने तेज लहजे में कहा। उसके हाथ में दो मशीन गने थीं। ठीक है, इन दोनों के जिस्मों से नालें लगाकर फायर करो, जल्दी करो, हमें फौरन यहां से निकलना है, मैं बाकी जरूरी सामान समेटता हूं, अकवी तरफ चले जाना, इमरान ने तेज लहजे में कहा और दौड़ता हुआ उस कमरे से निकला और राहदारी के आखिर में मौजूद एक कमरे में दाखिल हो गया। वहां उनके ब्रीफकेस, कपड़े वगैरह पड़े हुए थे। इमरान ने जल्दी से एक ब्रीफकेस खोला और ऊपर मौजूद कपड़े उल्टाकर उसने उसके एक खुफिया खाने से एक सुनहरे रंग की मुस्ततील चपटी पट्टी निकाली और उसका एक कोना मोड़कर उसने ये पट्टी जल्दी से एक सोफे के नीचे खिसका दी और फिर ब्रीफकेस में से उसने दो रिवॉल्वर निकाले और दोनों जेब में डालता हुआ वो बिजली की सी तेजी से कमरे से निकलकर राहदारी में दौड़ता हुआ बरामदे में आया। इस वक्त पुलिस जीपों के सायरन बिल्कुल कोठी के सामने सुनाई दे रहे थे। इमरान के पैरों में जैसे कोई ताकतवर मशीन नसब हो गई थी, क्योंकि जिस कदर तेज रफ्तारी से वो बरामदे से दौड़कर साइड गली में पहुंचा, वो रफ्तार वाकई इंतहाई हैरत अंगेज थी। साइड गली से होता हुआ वो अकवी तरफ पहुंचा तो उसे चौहान अकवी तरफ मौजूद एक दरवाजे के पास खड़ा नजर आ गया। मैंने दरवाजे का ताला खोल लिया है, अंदर से लगा हुआ था, चौहान ने कहा और इमरान ने सर हिलाते हुए दरवाजा खोला और पहले बाहर झांका। उस वक्त तक भी सड़क पर कोई ना था, वो तेजी से बाहर निकला, जाहिर है चौहान ने उसकी पैरवी करनी थी। एक जीप का सायरन कोठी की साइड गली में दाखिल होता हुआ सुनाई दिया। आओ, सामने वाली कोठी में वो खाली है, इमरान ने कहा और वो दोनों बेतहाशा दौड़ते हुए सड़क क्रॉस करके सामने मौजूद एक बड़ी सी कोठी तक पहुंच गए। इस पर किराए के लिए खाली है का बोर्ड मौजूद था और इमरान ने उसे देखकर ही कहा था कि कोठी खाली है। करीब पहुंचते ही इमरान उछला और फिर किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ छोटी सी दीवार क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच गया। चौहान ने भी उसकी पैरवी की और दूसरे लम्हे वो भी अंदर पहुंच गया था।
और ऐन उसी लम्हे सायरन की आवाज उन्हें सड़क पर सुनाई दी, लेकिन अब वो महफूज हो चुके थे। इसकी अकबी साइड से निकल चलो, कोठी तबाह होने वाली है। सारा सामान मैं वहां से उठा ना सकता था और सामान में ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनसे हमारी निशानदेही हो सकती थी, इसलिए मैंने 011 फिट कर दिया है, इमरान ने चौहान से मुखातिब होकर कहा। और फिर वो दोनों दबे कदमों दौड़ते हुए उस खाली कोठी की अकबी साइड पर पहुंच गए। यहाँ की दीवार भी छोटी थी, इस तरफ पीछे खाली प्लाट थे। इमरान और चौहान उस दीवार को फांद कर दूसरी तरफ गए और फिर दोनों तेजी से आगे बढ़ते हुए खाली प्लाटों के दरमियान सड़क पर चलने लगे। वो प्लाटों में दाखिल ही हुए थे कि उन्हें अकब में एक खौफनाक और लर्जा देने वाला धमाका सुनाई दिया और वो दोनों उछल पड़े। आग धुएं और खाक मिला बादल इस तरह ऊपर को उठ रहा था जैसे आतिशफिशां फटने से लावा ऊपर को जाता है। 011 ने वाकई इस कोठी को तिनकों की तरह उड़ा दिया था। वो दोनों एक लम्हा रुके बगैर तेजी से आगे बढ़ते गए। खाली प्लाटों के बाद एक सड़क थी, वो सड़क पर पहुंचकर तेजी से दाएं तरफ को मुड़ गए। अब चीखों पुकार की आवाजें उन्हें अपने अकब में से आती हुई सुनाई दे रही थी। शायद कॉलोनी के लोग ये चीख रहे थे, लेकिन वो इत्मीनान से सड़क पर चलते हुए आगे बढ़ते गए। इस तरफ कॉलोनी का इख्तिताम हो रहा था और फिर चंद लम्हों बाद वो चौक पर पहुंचकर साइड पर जाने वाली सड़क पर आ गए। अब कहां जाना है, और वो हमारे साथी, वो तो यहीं वापस आएंगे, चौहान ने कहा। चलो आसारे कदीमा देखने का शौक पूरा हो जाएगा। वैसे तुम फिक्र ना करो, मैंने नोमानी को एक फोन नंबर बता दिया था, बवक्ते जरूरत वो उसे इस्तेमाल कर लेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और चौहान ने सर हिला दिया। काफी दूर तक चलने के बाद उन्हें एक खाली टैक्सी मिल गई, रेड रोज होटल, इमरान ने फ्रंट सीट पर बैठते हुए कहा जबकि चौहान अकबी सीट पर बैठ चुका था। टैक्सी ड्राइवर ने सर हिलाते हुए कार को टर्न दिया और फिर तेजी से उसी तरफ को बढ़ने लगा जिधर से वो आ रहे थे। इमरान के जहन में अब शार्टन का लफ्ज गूंज रहा था। शार्टन नाम का होटल भी यहाँ था, लेकिन जाहिर है अब होटल में तो लेबॉरेटरी होने से ही रही। वो कई बार यहाँ आया था और यहाँ की एक एक सड़क का नाम उसके जहन में मौजूद था। शार्टन नाम का होटल भी यहाँ था, लेकिन जाहिर है अब होटल में तो लेबॉरेटरी होने से रही। वो कई बार यहाँ आया था और यहाँ की एक एक सड़क का नाम उसके जहन में मौजूद था, मगर इस नाम की रोड उसकी मालूमात में शामिल ना थी। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि वो टैक्सी ड्राइवर से शार्टन रोड के बारे में पूछ ले कि शायद कोई सड़क हो, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर खामोश हो गया क्योंकि वो अभी तक उसी मेकअप में थे जिसमें वो सुपर टॉप एजेंट बनकर स्पेशल एजेंसी के हेडक्वार्टर में दाखिल हुए थे, इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर को मजीद चौंकाना ना चाहता था। टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए आखिरकार एक होटल के कंपाउंड गेट में दाखिल होकर उस जगह रुक गई जहाँ से आगे टैक्सी न जा सकती थी। इमरान नीचे उतर आया और फिर उसने जेब से एक नोट निकालकर टैक्सी ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया। टैक्सी ड्राइवर ने नोट जेब में रखा और फिर जेब से दो छोटे नोट निकालकर इमरान को दिए। इमरान ने नोट जेब में डाले और होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। वो किसी सूरत भी आम मुसाफिरों से हटकर कोई ऐसा काम ना करना चाहता था जिससे टैक्सी ड्राइवर को वो बाद में याद रह जाए, लेकिन होटल के मेन गेट में दाखिल होने की बजाय वो साइड पर मुड़ गया और फिर अपर आमदे में मौजूद पब्लिक फोन बूथ के पास जाकर रुक गया। फोन बूथ मसरूफ था, अंदर एक नौजवान औरत मौजूद थी। बरामदे में एक ही वो था, इसलिए इमरान एक लम्हे तक वहां रुककर वापस कंपाउंड गेट की तरफ मुड़ गया। चौहान खामोशी से उसकी पैरवी कर रहा था। क्या हुआ इमरान साहब, आपने फोन नहीं किया? कुछ देर इंतजार कर लेते, चौहान ने गेट से बाहर निकलते हुए कहा। ये इंतजार क्यामत तक भी तवील हो सकता था। वो नौजवान खूबसूरत औरत थी, इमरान ने कहा और चौहान ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। सड़क की साइड पर बने हुए फुटपाथ पर वो पैदल चलते हुए आगे बढ़ते गए।
हालांकि कई खाली टैक्सियां भी पास से गुजर रही थीं, लेकिन इमरान ने उन्हें ना रोका था। और फिर एक खाली सड़क पर इमरान मुड़ गया। ये दो बड़ी सड़कों को मिलाने वाली दरमियानी सड़क थी, क्योंकि इस सड़क के इख्तिताम पर एक और सड़क निकली थी। सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ मौजूद ग्रेट बार की तरफ बढ़े और थोड़ी देर बाद वो ग्रेट बार में दाखिल हो चुके थे। बार में मुख्तलिफ तबकों के अफराद मौजूद थे, लेकिन अक्सरियत ऐसी थी जैसे जाहिर होता था कि बार मुतवस्त तबके की ही आमा जगह है। काउंटर पर एक नौजवान मौजूद था। इमरान काउंटर की तरफ ही बढ़ रहा था। रोनाल्ड से कहो कि उसके मेहमान आए हैं, इमरान ने काउंटरमैन से मुस्कुराते हुए कहा। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले जाओ, पास मौजूद हैं, काउंटरमैन ने सरसरी से लहजे में कहा। और इमरान सर हिलाता हुआ एक साइड पर बनी हुई सीढ़ियां चढ़ता गया। सीढ़ियों के आगे एक तंग सी राहदारी थी, जिसके आखिर में एक दरवाजे पर रोनाल्ड फ्रांक के नाम की प्लेट लगी हुई थी। इमरान ने बंद दरवाजे पर दस्तक दी। यस, कम इन, अंदर से एक आवाज उभरी और इमरान दरवाजे को धकेलकर अंदर दाखिल हो गया। ये एक दफ्तर नुमा कमरा था, जिसमें एक मेज के पीछे एक और नौजवान बैठा हुआ था। मेज के सामने दोनों साइडों पर दरवाजे तक सोफों की इन कतारें मौजूद थीं। जी फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? नौजवान ने चौंककर उन्हें देखा और फिर उसने खालिस्तन कारोबारी अंदाज में उनसे बात की। किसी सुपर स्टोर से अंगा देवी का मुजस्मा मंगवा दो, इमरान ने एक सोफे पर बैठते हुए सपाट लहजे में कहा। और चौहान, जो इमरान के साथ बैठ रहा था, हैरत भरे अंदाज में इमरान को देखने लगा। अंगा देवी का मुजस्मा? लेकिन वो तो बेहद कीमती होता है, नौजवान ने होंठ सकोड़ते हुए कहा। कीमत की फिक्र ना करो, इमरान ने उसी तरह सपाट लहजे में जवाब दिया। ठीक है, निकालो $1,00,000 कीमत और $1,00,000 कमीशन के, नौजवान ने उसी तरह कारोबारी लहजे में कहा। और इमरान ने उसी तरह जेब में हाथ डाला जैसे वाकई निकाल रहा हो। ओह, रकम तो मैं भूल आया, क्या तुम एक फोन करने की इजाजत दोगे? मैं रकम मंगवा लेता हूँ, इमरान ने कहा। हाँ कर लो, नौजवान ने फोन के नीचे मौजूद एक सफेद रंग का बटन दबाया और फोन करो इमरान की तरफ मोड़ दिया। सिर्फ रिसीवर मुझे दे दो, मैं बहुत थक गया हूं, खड़ा नहीं हो सकता, इमरान ने कहा। और नौजवान ने रिसीवर उठाकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। यस, रोनाल्ड स्पीकिंग। रिसीवर इमरान के हाथ में आते ही उसमें से एक आवाज उभरी, हालांकि ना ही इमरान ने नंबर डायल किया था और ना ही उस नौजवान ने। यार, ये तुम्हारा कोड इस कदर तवील है कि मैं तो बोलते बोलते थक गया हूं, इमरान ने इस बार असल लहजे में बात करते हुए कहा। और उसका पाकिस्तानी लहजा सुनते ही मेज के पीछे बैठा हुआ नौजवान चौंक कर गौर से इमरान को देखने लगा, क्योंकि इमरान शक्ल से तो एक रेमियन ही लग रहा था। ओह, ये आवाज तो इमरान, अरे कहीं तुम इमरान तो नहीं हो, दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। बोलने वाला इस तरह चौंका था जैसे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। पहले तो शायद पूरा इमरान था, लेकिन तुम्हारा ये शैतान की आंत की तरह तवील कोड बोल बोलकर अब आधा रह गया हूं, इमरान ने जवाब दिया। और दूसरी तरफ से कहके की आवाज सुनाई दी, रिसीवर नाटी को दो, दूसरी तरफ से कहा गया। लो भाई, नाई साहब, रिसीवर ले लो। क्या जमाना आ गया है कि पहले नाई उसरे से शेव करते थे, अब फोन का रिसीवर ही गाल से लगा देते हैं।
इमरान ने रिसीवर वापस नौजवान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, शेव क्या मतलब? नौजवान ने हैरत भरे अंदाज में कहा। जाहिर है उसे नाई के लफ्ज की क्या समझ आई थी। अलबत्ता चौहान के लबों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। यस बॉस, नाटी फोन सुनने में मसरूफ हो गया था। ओके बॉस, नाटी ने कहा और रिसीवर रखकर उठ खड़ा हुआ। आइए सर, मैं आपको बॉस तक पहुंचा दूं। नाटी का लहजा इस बार बेहद मोहतबाना था। यार इस सोफे को भी साथ नहीं ले जा सकते, मुझसे अब सीढ़ियां नहीं उतरी जाएंगी, इमरान ने थके थके लहजे में कहा। जी नहीं, जी सीढ़ियां नहीं उतरनी पड़ेंगी, इसी राहदारी में दफ्तर है, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मैंने खामखा अपना हल्क खुश किया, इमरान ने उठते हुए कहा और इस बार नौजवान मुस्कुरा दिया। वाकई इमरान साहब, इस कदर तवील कोट, इसकी कोई खास वजह है, चौहान ने दरवाजे की तरफ पढ़ते हुए कहा। यही सस्पेंस और क्या, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। रादारी में पहुंचकर नाटी ने जरा सा आगे बढ़कर एक तरफ दीवार पर हाथ रखकर उसे दबाया तो दीवार दरमियान से खुलती गई। अब नीचे जाती सीढ़ियां साफ नजर आ रही थीं। नीचे बॉस मौजूद हैं, नाटी ने कहा और एक तरफ हट गया। इमरान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और फिर जब वो सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे तो ये एक बहुत बड़ा हालनुमा कमरा था जिसमें हर तरफ बड़ी बड़ी पेटियां मौजूद थीं और चौहान ये पेटियां देखते ही समझ गया कि इनमें असला है और अब उसे समझ आ गई थी कि इस कदर तवील कोट क्यों रखा गया है। जाहिर है रोनाल्ड असले का समगलर था और नाजायज असला जाहिर है मखसूस पार्टियों को ही फरोख्त किया जाता होगा, इसलिए उनकी पहचान के लिए इतना तवील कोट रखा गया है। एक तरफ लकड़ी का बना हुआ केबन था, अभी वो सीढ़ियां उतरकर जरा ही केबन आगे बढ़े होंगे कि केबन का दरवाजा खुला और एक लंबा तड़ंगा एक्रेमियन तेजी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर बेपनाह इश्तियाक था लेकिन इन दोनों को देखते ही वो इस तरह ठठक कर रुक गया जैसे चाबी भरे खिलौने की चाबी अचानक खत्म हो जाने पर वो रुक जाता है, क्योंकि वो दोनों मेकअप में थे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने रोनाल्ड के कदम रोक दिए, वरना आज मेरी पसलियां लाजमन टूट जाती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रोनाल्ड का जेब की तरफ रिंगता हुआ हाथ तेजी से वापस आ गया। ओह, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया था, इस कदर मुकम्मल मेकअप, रोनाल्ड ने बेख्तियार हंसते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो इमरान पर इस तरह झपटा जैसे उकाब चिड़िया पर झपटता है। अरे अरे मेरी पसलियां, अरे ये रोल्ड गोल्ड नहीं है, खालिस गोल्ड की हैं और खालिस गोल्ड नरम होता है, इमरान ने पिंचे पिंचे लहजे में कहा और रोनाल्ड कैका मारकर पीछे हट गया। अच्छा, तुम खालिस गोल्ड हो और मैं रोल्ड गोल्ड हूँ, रोनाल्ड ने हंसते हुए कहा। वो इमरान की गहरी बात को फौरन ही समझ गया था। जाहिर है इमरान ने उसके नाम रोनाल्ड की निस्बत से रोल्ड गोल्ड कहा था। अरे मेरा यार, क्यों होने लगा रोल्ड 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 की अलबत्ता दूसरी बात है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रोनाल्ड के हलक से निकलने वाले कैके से हाल गूंज उठा। फिर वो उन्हें लेकर उस केबन में आ गया। बड़ी मुदत बाद आए हो, बाहर हाल तुम्हें मेरी याद तो आई, रोनाल्ड ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हमारे यहाँ एक मशहूर गाने के बोल हैं, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में जाने के बाद याद आती होगी और एक्रेमिया आने के बाद आती होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रोनाल्ड एक बार फिर हंस पड़ा। ये चौहान है, खालिद सूरज हंसी राजपूत,
इमरान ने चौहान का तारुफ कराते हुए कहा और चौहान मुस्कुरा दिया। सूरज हंसी राजपूत क्या मतलब, रोनाल्ड ने हैरत तोड़ते हुए कहा। राजपूत के मैनी है प्रिंस और सूरज हंसी, इमरान ने वजाहत करने की कोशिश करते हुए कहा। अच्छा अच्छा समझ गया, तो मिस्टर चौहान सूरज हंसी रियासत के प्रिंस हैं। हाँ, प्रिंसों के प्रिंस ही दोस्त हो सकते हैं, हम जैसे असले के स्मगलर कहाँ दोस्ती के लायक हैं, रोनाल्ड ने उसकी बात काटते हुए कहा। अब क्या किया जाए, तुम ये बेजान किस्म का असला समगल करते हो, कभी जानदार असला समगल करो, तब देखो यहाँ प्रिंस किस तरह लाइन बनाकर खड़े होते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रोनाल्ड एक बार फिर कहकर मारकर हंस पड़ा। अच्छा, अब यहाँ पर्दे में बैठकर कहके ही लगाते रहोगे या हमें कहीं ठिकाने भी लगाओगे, मेकअप से भी जान छुड़ानी है, खामखा एक रेमिन जानदार असला हर गली की नुक्कड़ पर गले पड़ जाता है, इमरान ने कहा और रोनाल्ड एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अच्छा वाह, इस कदर खूबसूरत मेकअप तो नहीं है, रोनाल्ड ने मेज पर रखे हुए टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वो रिसीवर उठाता, टेलीफोन की घंटी बज उठी और रोनाल्ड ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, रोनाल्ड का लहजा खासा सख्त था। क्या ये 353713 नंबर है, दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी और रोनाल्ड की बमें बेख्तियार ऊपर को उठ गईं। हाँ, मगर कौन पूछ रहा है, रोनाल्ड ने भिंचे हुए होंठ से जवाब दिया। मुझे ये नंबर प्रिंस ऑफ डंप ने दिया था, दूसरी तरफ से कहा गया और रोनाल्ड यकलक चौंक पड़ा। ओह अच्छा अच्छा, कौन साहब, प्रिंस साहब तो यहां मौजूद हैं, रोनाल्ड ने तेज लहजे में कहा। मेरा नाम वो जानते ही हैं, बस तुम प्रिंस से बात करा दो, दूसरी तरफ से नुमानी की आवाज सुनाई दी और इमरान ने जल्दी से उठकर रिसीवर रोनाल्ड के हाथों से ले लिया। क्या हुआ, वो मानी या ना मानी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और दूसरी तरफ से एक लम्हा खामोशी रही, फिर नुमानी की हंसती हुई आवाज सुनाई दी। ना भला कभी हाँ में तब्दील हुई है प्रिंस, दूसरी तरफ से नुमानी ने हंसते हुए कहा। उसे शायद कुछ देर में इमरान की बात समझ में आई थी। अरे तुम खामखा घबरा रहे हो, वो तुमने सुना नहीं कि जो हाँ कर दे वो औरत ही नहीं होती और जो ना कर दे वो सियासतदान नहीं हो सकता, इसलिए ना मानी का मतलब मानना ही होता है प्यारे भाई, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और इस बार नुमानी खिलखिलाकर हंस पड़ा। प्रिंस, वो आपका सबका डेरा तो राख के ढेर में तब्दील हो चुका है, अब मानने या ना मानने का फैसला कहां बैठकर किया जाएगा, नुमानी ने मुस्कुराती हुई आवाज में कहा। यानी अभी फैसला होना है भाई, फैसला तो मेरे ख्याल में 20 साल पहले तुमने कर दिया था, जब किसी को डोली में बिठाया था और अब उस डोली के कुम्हार को ढूंढते फिर रहे हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपका मकसद समझ गया हूँ, बहरहाल डोली का कुम्हार मैंने तलाश कर लिया है और मेरे साथ है, जबकि कीदा हमें तलाश करते फिर रहे हैं, नुमानी ने हंसते हुए कहा। वो वाकई इमरान की बात समझ गया था कि इमरान फोन पर न सिर्फ अफंदी का नाम नहीं लेना चाहता था बल्कि किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता था, इसलिए नुमानी भी बगैर नाम लिए सारी बातें किए जा रहा था। एक मिनट होल्ड करो, इमरान ने रिसीवर पर हाथ रखते हुए कहा। जहां हमें ठिकाने लगाना है वो पता बताओ, ताकि हमारे साथी भी साथ ही ठिकाने लग जाएं, इमरान ने रिसीवर पर हाथ रखकर रोनाल्ड से कहा। चैम्बरलैंड टाउन नंबर 40 कोड मेहमान, रोनाल्ड ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा।
ग्रेट लैंड का एक प्राइम मिनिस्टर मुझे बहुत याद आ रहा है। चैम्बरलैन, क्योंकि वो अली बाबा 40 चोरों की तरह मेहमान ढूंढता फिरता रहता था और फिर पूरे टाउन में उस बेचारे को एक मेहमान भी न मिलता था। इसलिए भाई, कैदुओं से बचने का एक ही तरीका है कि तुम भी मेहमान तलाश करके लाओ कहीं से, इमरान ने कहा और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया। क्या मतलब? ये तो मेरे फोन पर कॉर्ड में बातें क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हारा ख्याल है कि इससे गुफ्तगु सुनी जा सकती है? रोनाल्ड ने नाराज होते हुए कहा। अरे तो क्या नुमाइशी है ये, ला हौला वला कुव्वता। मैं खामखा इतनी देर तक अपनी एनर्जी बर्बाद करता रहा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। नुमाइशी क्या मतलब, मैं समझा नहीं, रोनाल्ड ने हैरान होकर पूछा। अच्छा, अब तुम्हें नुमाइशी का भी मतलब समझाना पड़ेगा। भाई ज्यादा बिल आता हो तो मैं हर माह खैरात फंड से भिजवा दिया करूंगा। कम अज कम तुम नुमाइशी की बजाय असल फोन ही लगवा लो ताकि उस पर बात सुनी तो जा सके, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और रोनाल्ड एक लम्हे तक तो हैरत से इमरान को देखता रहा, मगर दूसरे लम्हे उसके हलक से एक जोरदार कहका निकल गया। ओह ओह, अब समझा, मैंने ये तो ना कहा था कि इससे गुफ्तगु सुनी ही नहीं जा सकती, मेरा मतलब था, रोनाल्ड ने हंसते हुए कहा। यार तुम्हारे कैकों से पूरे कमरे की ऑक्सीजन अब तक कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो चुकी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड से तो भूख और ज्यादा चमक उठती है, और जब भूख चमकने लगे तो फिर चांद भी रोटी नजर आने लग जाता है। इसलिए तुम मतलब के चक्कर को छोड़ो और हमारे साथ ठिकाने पर चलो, इमरान ने उसकी बात काटते हुए कहा। ओह अच्छा, आओ मेरे साथ, रोनाल्ड ने हंसकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। और इमरान ने चौहान को इशारा किया और रोनाल्ड के पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।